तो फाइनली गाइस मस्टैंग आ गई है। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम टू व्लॉगिंग चैनल। आप सारे बहुत अच्छे हो गए। तो भाई आज हम पोलो पे जाएंगे, ठीक है। आज भी बोलने आता हूँ पेट्रोल नहीं है ये वो। अबे भाई आज हम पोलो जीटी पे जाएंगे, मेरा मन हो गया। बहुत है भाई ये। कबे तो भाई मेरी गाड़ी भी चूसती है, मेरी गाड़ी पानी से नहीं चलती। डीजल है वो, ये पेट्रोल। हाँ डीजल है, पेट्रोल है। उसकी एवरेज तेरी कितने की है? वो पेट्रोल, हाँ डीजल, सॉरी ये डीजल, वो डीजल। उसकी एवरेज तेरा की, तेरी एवरेज कितनी है? तेरी एवरेज कितनी है? अबे भाई रुक जा, वो डीजल है पेट्रोल, पहला फॉल्ट। ये ऑटोमेटिक वो मैनुअल, दूसरा फॉल्ट। तू एवरेज बताना भाई इन सिटीज की। 10, 9, 10 रमन अभी दिखा दूं। वैसे तू बोलता नूर 20 की दे रही है। तो भाई हाईवे पे देती ना भाई, ये लेके 25 की हाईवे पे देती है। भाई जब चार दिन मेरी गाड़ी जाए, दो दिन तेरी गाड़ी भी जानी चाहिए। अभी मैं चने खा रहा हूँ, चने बाकी प्रीवा पाउडर लेते हैं और जिम की तरफ चलते हैं। भाई जिम से आते सार मैंने जाना फिजिक जिम। क्यों भाई? वहाँ पे सारी प्लानिंग करनी है, कल शूट है, कल सुबह 7 बजे करूँगा, कल आ जाइयो। मेरे ना घर के बगल में 4 कैमल्स खड़े हैं, पता नहीं कहाँ से आए, मैं अभी नोटिस कर रहा था। ये देखो 4 के 4 कैमल्स। सो हम जा रहे हैं जिम और भाई साहब पी रहे हैं प्री वर्कआउट। सो गाइस मैं अभी प्री वर्कआउट ले रहा हूँ और मैं कर्ड्स का प्री वर्कआउट ले रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी गुड। बाकी भाई देखो मैं आपको थोड़ा अपना डाइट का भी बता देता हूँ। मेरे से ना बहुत लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि साहिब भाई आप डाइट क्या फॉलो करते हो, कैसे करते हो। मैं 300-400 ग्राम मटन खा रहा हूँ, 20 अंडे खा रहा हूँ, 3 स्कूप वे प्रोटीन ले रहा हूँ। बाकी मैं थोड़ा वो देसी घी भी खाता हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि भैया बिल्कुल फैट कट ऑफ कर दो, ऐसा नहीं है भाई। मैं हेल्दी फैट्स खाता हूँ, मैं योग से हेल्दी फैट लेता हूँ, कई बार मैं फिश भी खाता हूँ, मटन में भी थोड़ा बहुत फैट होता है, और मैं कैशियो नट्स भी खाता हूँ। तो ऑन एवरेज आप ये लगा लो, मैं चावल भी खाता हूँ, ब्रेड चावल, रोटी छोड़ रखे, रोटी मेरा मन नहीं करता खाने का, रोटी भी खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अपना जो कैलोरी इंटेक है ना उससे नीचे रहता हूँ। जैसे मेरी बॉडी को अराउंड मेरे को लगता है 2500 कैलोरी चाहिए डेली, क्योंकि मेरा वेट अभी 90 है। तो मैं खाता हूँ अराउंड 1700 से 1800 या 2000 कैलोरीज के बीच में, डिपेंड्स। और 400 कैलोरीज तो मैं कार्डियो में ही बर्न करता हूँ, 400 कैलोरी मैं वेट ट्रेनिंग में बर्न करता हूँ। तो मेरे को लगता है हफ्ते की मैं अराउंड 3500 से 4000 डेफिसिट में चल रहा हूँ। तो मैं 500 ग्राम या 1 किलो हर हफ्ते इजीली लूज कर सकता हूँ, और मसल तो गेन हो नहीं सकती वेट लूज करते हो, जो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। भाई अगर आप कर रहे हो तो बढ़िया बात है, मेरे से नहीं होती। तो इसकी ना मैं बताता हूँ इसकी जर्नी क्या है। ये जिम में ना इधर चलो थोड़ा बहुत कभी ऑन ऑफ करता है, इसकी गलती है ना लोगों की बातों में बहुत जल्दी आता है। कोई इसे समझाता है ऐसे करिए वैसे करने लगेगा, फिर दूसरा बंदा इसे बोलेगा तू ये क्या कर रहा है, तो ये वैसे करने लगेगा। क्योंकि भाई हर बंदे का ना देखो, कोई टीचर भी है, कोई टीचर भी होगी ना, उसका हर टीचर का पढ़ाने का ढंग भी, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, हर टीचर का ढंग अलग अलग होता है पढ़ाने का। अब एक टीचर ये बताए कि आप, एक टीचर ये बताए कि आप दोनों के मेथड फॉलो करोगे ना तो इन दी एंड ब्रो आपकी लंका लग जाएगी। आप अगर कर रहे हो या तो एक की सुनो, अपने ऊपर एक बंदे को फॉलो कर, तो पता ना ये बंदा सही बोलता है, ये बंदा मुझे जेन्युइन लगता है, इसकी फॉलो करता है, लगता है ये बंदा जेन्युइन बोलता है उसकी कर। दो बंदों की करेगा तो इन दी एंड यू विल क्राई, जेन्युइन बता रहा हूँ। जब भी सुबह उठता हूँ ना, सुबह उठ के मैं शीशे में देखता हूँ अपने आप को, और मैं बोलता हूँ मैं शायद आप लोग हंसोगे बट मुझे ना कार्तिक आर्यन जैसा मुझे लीन जो खत्म हां मतलब वही अच्छे खासे बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो, अच्छे खासे नहीं है ब्रो उसके, उसके मतलब तेरा ठीक है अच्छे, मतलब वही मेरे को भी सेम वही मेन बताया ब्रो मुझे ना, जैसे ज़ारा के मॉडल्स होते हैं लीन बिल्कुल, इतना अबू श्रेडेड, हां कि मतलब मेरे को भी सेम वही, मेरे को वैसा होना ब्रो, मतलब मेरे को भी अगर मैं खड़ा हूं ना तो बंदा कहेगा कि मतलब अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने अच्छे लगे। बिल्कुल हिम्मत तो नहीं हो रही बट कुछ भी करके 40 मिनट कार्डियो करना, भी 5 मिनट कर लिया, 6 इंक्लाइन है, 6 स्पीड है, और कैलरीज कम से कम 300 से 400 बर्न करनी है। तो जब 300 कैलरीज बर्न होंगी तभी रुकूंगा। तो भाई आज का वर्कआउट गया एक नंबर। बाकी वर्कआउट करते करते ही ना मैंने बर्गर है यहाँ पे, वहाँ से चिकन और राइस मंगाए हैं, तो पहले मैं वे प्रोटीन लूँगा, उसके बाद मैं चिकन एंड राइस खाऊँगा, बिकॉज इन एनी केस आई डोंट वॉन्ट मिस माई डाइट, बिकॉज जब होता है ना रिजल्ट मिलते हैं, सो यू आर ऑन दी अनदर लेवल। तो प्रोटीन पाउडर तो आ गया बट हमारे पास स्कूप नहीं है, तो पहले हम इसमें डालेंगे डिब्बे में, फिर उसके बाद उसके अंदर डालेंगे। बाकी मैंने अभी अपनी ना डाइट मंगाई है, वो आया नहीं यार, बंदा कहाँ चले गया, स्विगी वाला आ जा भाई आ जा। हाँ दो हो गए तो हाँ डाल दे यार, जितना मर्जी कोई सारे डाल दूँ, डाल दे, प्रोटीन ही है ब्रो। 15-20 स्कूप पी ले इकट्ठे, इतना भी नहीं हो रहा लेकिन जितना एक एस्टिमेट है, दिस इज 1.5 स्कूप, 1.5 स्कूप है, डाल दे।
ओ बाजने और ये भाई गाइस इससे ट्रैक में दो ना, ये जो बीट्स हैं इसके अंदर प्रोटीन मेरे को अब अच्छा नहीं लगता यार। मैंने एक प्रोटीन लिया है 2800 का, वो इससे ज़्यादा बेटर है, एक नंबर। बाकी उस कंपनी से बात चल रही है स्पॉन्सरशिप की, तो शायद वो मेरे को 10 डिब्बे स्पॉन्सर कर दे। और तो नहीं ना तो मैं आपको भी दूंगा, जिस जिसको प्रोटीन चाहिए ना मुझे बता देना, मेरे को भी मतलब एक दो लोगों को तेरे को दे दूंगा जब 10 डिब्बे आएंगे, ठीक है। और अगर मेन चैनल पे स्पॉन्सरशिप कर दी फिर तो मैं कम से कम 100 डिब्बे तो भाई कहीं नहीं गए, फिर तो मैं 20-25 डिब्बे आप लोगों को ही मार दूंगा। तो गाइस अपनी डाइट आ चुकी है, अपना ऑर्डर आ चुका है, सो लेट्स हैव इट। बहुत बड़ा पोपट हो चुका है, मैंने चिकन मंगाना था, ये ग्रीन मीट लिखा था, पता नहीं मुझे लगा ग्रीन वेजीज के साथ मीट होगा, भाई चांपे आ गई चांपे। अब आपको पता ही है चांपों से होता क्या है भाई। अभी रमन की किसी ने डॉग दी पोलो जीटी, और भाई एक्सप्रेशन कैसा था रमन तेरा वैसे ही इसका दिमाग खराब था, पीछे से एक आंटी थी वो मार गई। अब आंटी को कुछ कह भी नहीं सकते यार, वैसे कोई भी क्या किसी को भी कुछ कहना क्यों है ब्रो। मेरी तो भाई मेरी तो बंदा थार पूरी फोड़ गया था, देखा था मैं स्टूडियो में से बात नहीं करता था भाई। तू क्यों अपनी बात मेरे से कंपेयर करता है भाई, मैं 10x वाला बंदा आपके लिए बोल रहा हूँ, अगली बार आप गोल्ड प्लान लेना, इतनी बार ले चुका हूँ मैं सोच पे। गोल्ड प्लान में क्या 3-4-5 बार ले सकते, जितनी बार ले लो। मेरे पापा मुझे कह रहे मैं सोच रहा हूँ मैं ले लू गोल्ड प्लान। मेरे पापा मुझे कह रहे की तेरी गाड़ी तो मैंने जितनी बार देखी है दिल्ली से आई है शोरूम में खड़ी होते हुए देखी है, तो गाइस अभी ना हम अपने पुराने वाले जिम में आए हैं बिकॉज हमें शूट की लोकेशन देखनी है और मेरे को ऐसा ही जिम चाहिए, तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है। अवलीन ऊपर मेरी वेट कर रहा है और हमें थोड़ा शॉर्ट डिवीजन भी करनी है और शॉर्ट की प्लानिंग भी करनी है ताकि कल शूट एक दिन में निपट जाए। कल संडे है ना, संडे को ही जिम खाली होता है। मैं आपको सही में बता रहा हूँ इसको खाना बहुत हार्ड है मेरे लिए, मतलब मुझे लिटरली वॉमिट वाली फीलिंग आ जाती है कई बार, क्योंकि बॉइल्ड चिकन है, क्योंकि डेली डेली खाते हैं ना फिर आदत बंदा बोर हो जाता है, बट जैसे तैसे करके मैं खा लूँगा क्योंकि भाई स्ट्रगल इज रियल। रमन तेको क्या खाना है, अंडे खाने क्या खाने, कितने भैया? 5 अंडे कर दो और भैया छाछ भी दे देना और एक पनीर सैंडविच। हाँ जी हाँ जी, अरे कैसे हो भाई, भाई आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, मेंबर भी या कैसे हो भाई, हेलो जी साहब। तो फाइनली गाइस मस्टैंग आ गई है और अब हम आपको सुनाते हैं इसकी एग्जॉस्ट की साउंड। मैं किंग के शो से आ गया, एग्जॉस्ट साउंड मतलब ये एक प्लेन से ही इंस्पायर है, मुझे इसने बताया था पहले भी, और लिटरली भाई ऐसी फील आ रही है बस अभी हम जेट ही उड़ाने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल सीन्स यार। सो गाइस अभी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। अब आवाज सुनना, सो गाइज बस अभी अभी वापस आए हूँ और कल हमारा शूट है और ऑलरेडी अभी 2 बज चुके हैं 2 AM, तो भाई मेरे को आ रही है बहुत ज्यादा नींद, तो मैं तो चला भाई सोने। मैं पहले ब्लॉग एडिट करूंगा उसके बाद सोऊंगा अराउंड 2:30 और मेरे को सुबह 7 बजे उठना है। तो जो विनर है ना पेटीएम वाला वो मैं कल वाले ब्लॉग में अनाउंस करूंगा, क्योंकि भाई अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही यार कमेंट्स पढ़ने की। सुबह से काम कर रहे हैं, शूट की प्लानिंग कर रहे हैं, बाकी अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, ऐसी सपोर्ट करो, प्यार करो, आई लव यू ऑल। और परसों के ब्लॉग में विनर देखना ना भूलना।